तादर्थेन क्रियाकार फल भेदेन प्राणादीन नाना विधान भावान बाह्यान आध्यात्मिकांश कल्पयते। पहले वह हिरण्यगर्भ की कल्पना करता है मायावच्छिन्न ब्रह्मो। तो हिरण्यगर्भ कल्पना के पश्चात वह प्रथम जो हिरण्यगर्भ करता क्या है, कहे तादर्थेन भोक्ता जीव का भोग के लिए शेषत्वेन, क्योंकि जीव सर्वकल्पना में मूलभूत कारण है, फिर भी कल्पना विशेष विशेष हेतु व्यतिरेक के बिना नहीं हो सकता है, इस बात को मैंने तर्क दिया। क्रिया कारक फल भेदेना, क्योंकि उस जीव को क्या क्या जरूरत पड़ेगी, कारकों की जरूरत है, उन कारकों को लेकर क्रिया करेगा तब उससे फल प्राप्त करेगा। से क्रिया कारक फल भेद के द्वारा प्राणादियों को नानाविध भाव जो बाह्य घटपटादि और आध्यात्मिक शरीर के अंदर इंद्रिय वगैरह सारी चीजों को कल्पयते। तत्र कल्पना को है तो ऐसी कल्पना करने में क्या कारण है इत्युच्यते, उसका जवाब में कहा जा रहा है, यो सो स्वयं कल्पितो जीवा सर्व कल्पनायाम अधिकृतः स यथा विद्यो यादृश विद्या इत्यादि, यथा विद्यस्तथा स्मृति। उसके लिए यो असौ स्वयं कल्पितो जीवः, वह यह जो स्वयं के द्वारा कल्पित जीव है, विशिष्ट रूपेण कल्पित है, विशिष्ट रूपेण जो कल्पित जीव है, सर्व कल्पनायाम अधिकृत जो सकल कल्पनाओं में स्वामित्व संबद्ध है, स वह यथा विद्यः मन यादृश विद्या विज्ञानम अस्य यति यथा विद्या, जिस प्रकार को उसके पास विज्ञान है, जैसे कुंभकार के पास जिस प्रकार का विज्ञान है उसके अनुसार वो घड़ाई तो बनाएगा, कपड़ा थोड़ी तो बना देगा, नहीं बना सकता वो, कि उसका विज्ञान ही नहीं उसके पास। और जो दर्जी है वो उसको कपड़ा बनाने का ज्ञान है तो उसको वो काम कर लेगा, वो उसको बोलो भाई तो ये घड़ाई बना दे, खाली बैठा क्या कर रहा, वो कहेगा खाली बैठा हम क्या करेंगे, कतरन को और कतरन करते रहेंगे लेकिन जो है घड़ा नहीं बना सकते। तीसरे जो जैसा विज्ञान वाला होता है वैसे तो कार्य करता है, तो ये जो है हिरण्यगर्भ लेकिन सर्व विज्ञानवान है ना, इसे सकल चीजों को उत्पन्न कर देता है, इतना अंतर है। लोक में जो मिलते हैं ये किंचित विज्ञान वाले ही मिलते हैं, वह सर्वज्ञ है, सर्वित है, तथा विधैव स्मृति, उसके अनुसार उसकी स्मृति होती है, तस्ति तथा स्मृति भवति सेति, इसलिए उसको तथा स्मृति कहा जाता है। अतो हेतु कल्पना विज्ञानात् फल विज्ञानम तथो हेतु फल स्मृति ततस्तद विज्ञानम तदर्थ क्रियाकार फल भेद विज्ञानानी, ये क्रम बन गया। इसलिए प्रकृति कल्पना में जो क्रम है उसको विस्तार कर रहे हैं, पहले क्या हुआ हेतु कल्पना, जीव की कल्पना हुई, उसके विज्ञान को लेकर के फल विज्ञान, भरे जीव जो बनाया एक क्या भोग करेगा उसके फल विज्ञान हुआ, उस फल विज्ञान को लेकर के हेतु फल स्मृति ही, उसके बाद हेतु और फल दोनों का विशिष्ट रूपेण स्मृति हुई, तथा तद विज्ञान, उसके बाद स्मृति से जन्य विज्ञान हुआ और उस विज्ञान को साकार करने के लिए तदर्थ क्रिया कारक तदफल भेद विज्ञानानी, तदर्थ क्रिया तदर्थ कारक तदफल भेद के विज्ञानों को भी उसके अंदर प्रकट हुआ। तेभ्य स्मृति आहुन सकल विज्ञान और उसके अंदर उसकी स्मृति हुई, तस्मृतेश्च पुनः तद विज्ञानानी, स्मृति से फिर पुनः विज्ञान होगा, फिर स्मृति, फिर विज्ञान, फिर स्मृति, फिर विज्ञान, क्रम चलते चलते अनादिकालीन वासना दृढ़ हो गई है। इत्यं बाह्यानाध्यात्मिकांश, इस प्रकार बाह्य और आध्यात्मिक सकलो इतरेतर निमित्त निमित्तिक भावेन अनेकदा कल्पयते, एक दूसरे के प्रति निमित्त निमित्तिक भाव स्थित इन सारी चीजों की वो कल्पना करता है। सत्य अन्नपान आदि उपयोग है तृप्त्यादि भवती, क्योंकि देखने को संसार में क्या मिलता है, अन्न पान आदि को भोग करने पर या उपयोग करने पर ही तृप्त्यादि फल को देख मिलता है। असति और अधे, असति अन्न पान आदि उपयोग है और अन्न पान आदि का प्रयोग ही नहीं किया आपने तो न भवती, तृप्ति भी नहीं होगी। इति अन्वय व्यतिरेक रूपात न्यायात भोजनादिगम हेतुर्थि कल्पना विज्ञान उत्पद्यते, भोजनादि जो भोग्य है वो क्या है हेतु हो गया, उसका भी कल्पना पूरा उसकी कल्पना के लिए आवश्यक विज्ञान भी उसने अपने अंदर उद्भूत कर लिया।
तथा तृप्त्यादिकम फलम, फिर तृप्त्यादि फल की कल्पना विज्ञान उत्पन्न हुआ। तथा अप्रेत्योर उक्तयोर उभयोर उपहेतु फलयो स्मृति उद्भवति। और इस तरह से पहला दिन उसने भोजन खाया, उसे फल मिला तृप्ति, उन दोनों के अगला दिन क्या हुआ, भोजन और फल, हेतु और फल, भोजन और तृप्ति स्मृति में आएगी, फिर सवेरे लगेगा बनाने में। यही तो होता है ना कि याद है आपको कल हमने खाया था, भूख मिट गया था, और सवेरे शौचालय जाने खाली पेट जैसे हुआ तो भूख लगने लगी, तो फिर दिमाग में आता है कल खाया था तो भूख मिटा था, अब फिर बनाओ फिर खाओ फिर भूख मिटेगी। ऐसे ही संसार चले था अनादि का, भूख मिटाने लिए खाता है ना, तृप्ति के लिए खाना खाया, तृप्ति मिली तो टिकी नहीं, फिर खाना खाएगा फिर तृप्ति होगी, यही चक्कर चलते रहता है बार बार, दिमाग विज्ञान घूमते रहता है, उस विज्ञान के अनुसार बाह्य क्रिया कारक फल भेद से व्यवहार करते रहते हैं। बस ये कि थोड़ा फर्क करने के लिए आइटमों को सोचते हैं, कल वो बना के खाए तो आज थोड़ा फर्क किया जाए, कोई दूसरी चीज बना दी जाए, है ना। अब सवेरे दोपहर शाम तीन लोग अलग अलग बनाने वाले हैं तो मालूम भी नहीं रहेगा सुबह किसने क्या बनाया है, तो शाम को कई बार वही आइटम बन जाती है तो कोई आपत्ति नहीं, मालूम नहीं ना सबरे किसने क्या बनाया। अरे कोठारी हो तो वो सामान देगा ये बनाओ, तो उसे मालूम रहता है मैंने सबरे क्या सामान दिलवाया क्या काम कराया है, तो फिर हम दूसरा बनवा गए, नहीं तो एक दूसरे को पता ही नहीं किसने क्या बनाया। इस संसार ऐसे ही चलता है, विज्ञान हेतु विज्ञान फल विज्ञान फिर उसके स्मृति फिर हेतु विज्ञान फिर फल विज्ञान, ये चक्कर चलता है। तदश फल साधन समान जातीय कर्तव्यता विज्ञान, इसलिए फल और साधन संबंधी समान जाति विषय को लेकर के आगे कर्तव्यता का विज्ञान बारंबार पैदा होता है। इदम मया कर्तव्यम, ऐसे रोज रोज आप इधर विज्ञान पैदा हो रहा है, उस विज्ञान को लेकर आप बाहर क्रियाकलाप कर देते हो, उससे फिर संस्कार बनती है, अगला दिन फिर स्मृति होगी, फिर एक चक्कर चलता है। तदश अभिलषित तृप्त्यादि फलार्थत्व पाकादि क्रिया है क्या ना, इसे अभिलषित फल क्या है तृप्ति, उसके लिए पाकादि क्रिया तत्कारकम तंडुलादि, उसके साधन होते तंडुलादि, तत्फल अन्निष्पद्य निष्पत्त्यादीनि विशेष विज्ञान भवन्ति, और तत्फल होते अन्न निष्पादन आदि, इस प्रकार से विशेष विज्ञान की धारा चलती रहती है। ततो हेत्वा स्मृति तदस्त अनुष्ठान ततश्च फलम, फिर हेत्वा स्मृति होगी फिर अनुष्ठान होगा फिर फल मिलेगा, इतने न क्रमेण मितो हेतु हेतु मुत्या कल्पना भवती, परस्पर हेतु हेतु भाव से कल्पना की धारा चलती रहती है। उसी प्रकार यहां पर भी हुआ है, समझो एवं इत्यादि से समझा दिया। तत्र जीव कल्पना सर्व कल्पना मूलम इत्युक्तम, वहां पर भी इस कल्पना की धारा में भी बताया गया था कि जीव कल्पना है वही कल्पना का मूल, सकल कल्पनाओं का मूल है। सही वह जीव कल्पना किम निमित्ता, जीव कल्पना हुई क्यों, उसे क्या निमित्त था, वो पहली बार जो कल्पना हुई जीव की वो क्यों हुई। इति दृष्टांतेन प्रतिपादयति, इस बात को भी दृष्टांत से प्रतिपादन करते हैं, क्योंकि ब्रह्म का निश्चय न होने से ये सब समस्या है। रज्जु का निश्चय नहीं हुआ, सहकारी कारण मिल गया मंद अंधकार, तो क्या किया आपने, वहां सर्पधारा आदि की कल्पना कर बैठे। यही तो हुआ ना, अधिष्ठान का सम्यक ज्ञान ना हुआ, अधिष्ठान का सम्यक ज्ञान या निश्चय कहो नहीं हुई, तब क्या हुआ, सहकारी कारण को जुड़ गए, उन्हीं के उन्हीं प्रतिबंधकों के कारण से, क्षुद्र प्रतिबंध के कारण से अधिष्ठान का ज्ञान नहीं हुआ था। वो सहकारी कारण हम लोग जो कह देते हैं वास्तव में प्रतिबंधक है, अधिष्ठान ज्ञान में रज्जु का ज्ञान में मंद अंधकार क्या है, प्रतिबंधक था, और वही प्रतिबंधक को हम सहकार कारण इसलिए कहते हैं सर्प की उत्पत्ति में सहयोग दे दिया उसने, सर्प दृष्टिया सहकारी कारण है, अधिष्ठान दृष्टिया प्रतिबंधक, और उसकी वजह से क्या हो गया, आपने सर्वधारा आदि कल्पना कर दिया। सब पहला कारण कौन हुआ सर्वधारा आदि कल्पना में, अविद्या अनिश्चय, अधिष्ठान का अज्ञान, अधिष्ठान का आवरण पता विद्या ही, अधिष्ठान का अज्ञान है, वही यदि कारण है अधिष्ठान के अनिश्चय के प्रति, यदि आवरण भंग हो जाता अविद्या भंग हो जाती तो अधिष्ठान का ज्ञान हो जाता, अधिष्ठान का ज्ञान न हुआ क्योंकि उसका आवरण पता विद्या या अज्ञान जो कहते वो भंग नहीं हुई, वो अज्ञान ही मूल कारण है।
जैसे आप बाह्य रज्जु में देखते हो वैसे दृष्टांत घटा दो। यहां क्या हम बताएंगे? माया। इसे पुरुष लोग तक अजातवाद कह दिया, वास्तव में यहां पर भी कह रहे हैं वास्तव में सर्पधार आदि है ही नहीं। अनिश्चिता यथा रज्जुर अंधकारे विकल्पिता सर्पधारादि भावैस तद्वद्दाता विकल्पिता। अनिश्चिता यथा रज्जु, जैसा इस लोक में रज्जु जो मंदांधकार पड़ा हुआ रज्जु अनिश्चिता, वह उसकी जो निज रूप का उसका जो वास्तविक स्वरूप है उसका निश्चय नहीं हुआ, अवधारणा नहीं हो पाया, जब तक क्या हुआ सर्पधारादि विर्भाव ही विकल्पिता, तब वह रज्जु को आपने सर्प माना, किसने धारा समझा, किसने दंड समझा, किसने कुछ समझा, किसने भूचित्र भी समझ सकता है, भूकंप जैसे हुआ छेद जैसे दिखता वैसे, इतने भावों से वही रज्जु विकल्पित हो गया। तद्वत आत्मा विकल्पित, उसी प्रकार से एकमेव अद्वितीय आत्मा था, ऐसे माया के कारण से अनेक भावों के रूप में विकल्पित। जीव की कल्पना नित्य नहीं अनित्य, जो सर्प की कल्पना अनित्य, तत्व समझ नहीं, इसलिए जान के दृष्टांत से समझा रहे इसको। भाष्यम यथा लोके स्वयं रूपेण अनिश्चिता अनवधारिता, जिस प्रकार से श्लोक में रज्जु अपने रूप से अनिश्चित है अनवधारित है, एवमेव इति, कैसे अनवधारित है, एवमेव यह ऐसा ही है, इस प्रकार आप निश्चय नहीं कर पाए, यह रसी है अर्थात यह इस प्रकार का वस्तु है, इस तरह आपने निर्णय नहीं ले सके। क्यों नहीं ले सके भाई? कहते मंदांधकार है, मंद अंधकार रूपी प्रतिबंधक समझो, सर्पोत्पत्ति का सहकारी कारण समझो, उसके कारण से किम, फिर क्या हुआ उसका नतीजा, सर्प उदकधारा दंड इति अनेक विकल्पिता भवती, तो उसी रज्जु को आपने सर्प रूपेण कल्पना कर लिया, अथवा जल धारा रूपेण कल्पना कर लिया, अथवा दंड रूपेण परिकल्पना कर सकते हो, अथवा भूचित रूपेण परिकल्पना कर सकते हो। पूर्वम स्वरूप अनिश्चय निमित्ता, ये सारी कल्पना क्या है का कारण, मूल कारण क्या है वास्तव में, उस रज्जु के स्वरूप का अनिश्चय निमित्त कल्पना है। यदि पूर्व में रज्जु स्वरूप निश्चित आसत न सर्पदा सर्पादि विकल्प भविष्य, क्योंकि यदि रज्जु का स्वरूप पहला ही निश्चय हो जाता, पहली दृष्टि पड़ते ही यम रज्जु ऐसे ही निश्चय हो जाता, फिर तो सर्पादि विकल्प ना भविष्यत, सर्पादि विकल्प भी आपसे हो ही नहीं सकता। यथा स्वस्थ अंगुली आदिशु, जैसे आंख खोलते ही आपके अपने हाथ की अंगुली दिखाई दिया, अंगुली की तरह घबराते हैं क्या, ये चिपका लिए या कोई और चीजें करके, मालूम हो गया ये अंगुली है, कौन डरना क्या है, और कोई कीड़ा मकोड़ा ऐसे थोड़ी समझेगा आदमी। जैसे जगत ही पर आपके अपने हाथ की अंगुलियों को देखते ही पर दृढ़ निश्चय हो गया आपको ये मेरी अंगुलियां हैं, तो इसलिए आपको कोई कीड़ा हो गया कि अन्य भावना नहीं करते ही, विकल्पनाएं उत्पन्न नहीं होती। उसी प्रकार यहाँ पर यदि पहली दृष्टि पे दृढ़ निश्चय हो जाता यह रज्जु है, फिर तो सर्पादि विकल्पनाओं का कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाता। एष दृष्टांत, ये दृष्टांत है, इस दृष्टांत को अच्छी तरह समझ लीजिए। कहने का तात्पर्य क्या है, ये जो कल्पना के द्वारा आपके द्वारा कल्पित जितने भी रज्जुवादी पदार्थ में जो देखा गया, सर्पादि पदार्थ रज्जुवादी पदार्थों में देखा गया जो सर्पादि पदार्थ है वो क्या है, अवस्तु है, वास्तव में है क्या, वो वस्तु ही नहीं है। वस्तु कौन है, रज्जु, अधिष्ठान ही वास्तविक वस्तु है और सब परिकल्पित सारे वास्तव में वस्तु ही नहीं है। अतएव जीव कल्पना जो कहा गया है, जीव भी क्या है, वस्तु नहीं है, असली वस्तु एकमात्र ब्रह्म है, बाकी सब अवस्तु है। ये सिद्ध करने के लिए बात दृष्टांत दिया जा रहा है। लेकिन कोई कल्पना कह सकता है यदि अवस्तु है तो निमित्त नहीं होना चाहिए,
इसी वस्तु के प्रति तो निमित्त होंगे, अब वस्तु के प्रति निमित्त कहां से आ गया? इसलिए हमने कहा यदि अवस्तु समय में स्वीकार कर लिया आपने सर्प को, फिर मन अंधकार आदि सहकारी कारण नहीं कहा जाएगा, फिर क्या कहा जाएगा? प्रतिबंधक। यदि सर्प उत्पन्न हुआ मान लोगे ये तो कोई ना कोई सहकारी कारण चाहिए, उपान कारण चाहिए, निमित्त कारण चाहिए, तब हम सबको कारण कोटि में ही ले लेंगे। सर्प दृष्टिया सारी सामग्री कारण कोटि में चले जाते हैं और अधिष्ठान रज्जु दृष्टिया सारी चीजें प्रतिबंध कोटि में टिक जाते हैं। ये अंतर भी संकेत करना चाहते हैं, इस संसार में जो भी आपको दिखाई दे रहा है अब इस पर आपके ऊपर निर्भर है, इसको आप मिथ्या रूपण देख रहे हो या सत्य रूपण देख रहे हो। यदि इनको मिथ्या रूपण देख रहे हो फिर तो जितने भी है इसकी दिखाई देने के पीछे वो सब स्वरूप के प्रति प्रतिबंधक है, और उन प्रतिबंधकों का भी मिथ्यात्व निश्चय होने से आपका अधिष्ठान का ज्ञान हो जाता है, और नहीं हुई तो ये वायु से जो दिखाई दे रहा है इनको आप सत्य मान लेंगे, तब इनके प्रति वही माया आदि क्या हो जाएगा? कारण कह दिया जाएगा, माया आदि को उस दृष्टि में कारण कह दिया जाता है। किस दृष्टि से? दिखाई दे जगत में यदि आप सत्यत्व स्वीकार करते हो, व्यावहारिक सत्यता पाए, कोई भी सत्यता स्वीकार कर लोगे तो वो माया आदि कारण हो जाएंगे, और वही अधिष्ठान ज्ञान के प्रति प्रतिबंधक है। अजिष्ठान अधिष्ठान ज्ञान हो गया इनके मिथ्यात्व के द्वारा, फिर तो ये सब कुछ भी नहीं रह जाते हैं, सारा प्रतिबंधक का विक्षय हो गया, और प्रतिवस्तु जो वस्तु दिखाई दिए उसमें अवस्तुत्व का निश्चय हुआ, मिथ्यात्व निश्चय हुआ, मिथ्यात्व निश्चय होने के कारण से उनमें वस्तुत्व ही समाप्त हो गया। ये शुरू हुई यहां से ना, आप वस्तु मान रहे हैं जगत घटपटादि को, वस्तु तो मान रहे हैं, तो उसका कारण हमने ढूंढा, कारण ढूंढा तो माया पे दी, और वो भी कारणत्व में विचार किया, क्या वास्तविक कारणत्व है क्या इनमें? कहते नहीं, वास्तव में इसमें भी कारणत्व नहीं है, ये जो जो कार्य दिख रहा है उनके दृष्टिकोण से इनमें कारणत्व स्वीकार गया है, वास्तव में ये प्रतिबंधक है, अतएव इन प्रतिबंधकों का मिथ्यात्व निश्चय हो जाएगा, हमें अधिष्ठान ज्ञान हो जाएगा, जब अधिष्ठान ज्ञान हो जाएगा तो ये सब के सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये सब दृष्टान्त इत्यादि स्वप्रसादन रूपम रज्जुत्वम तेन यावत् अनवधारितत्वम एव स्वरेदेयम इति एव रज्जुरेवयम इत्यनेन प्रकारेण निश्चयनीयवा था, इस सर्पाय दिखाई दिए थे। तद्वत् हेतु फलादि संसार धर्मान अर्थ विलक्षणतया स्वेन विशुद्धि विज्ञप्ति मात्र सत्ता अद्वय रूपेण अनिश्चितत्वात् जीव प्राणादि अनंत भाव भेदैर आत्मा विकृत इति येष सर्वोपनिषदां सिद्धांत। सकल उपनिषदों का यह मूलभूत सिद्धांत है, हेतु फलादि संसार धर्म धर्मान अर्थ विलक्षणतया, कहते हेतु फलादि इत्यादि शब्द से कर्तृत्व भोक्तृत्व राग द्वेष आदि उनसे विलक्षणत्व क्या है? कहते स्वेन विशुद्ध विज्ञप्ति मात्र सत्ता, इन सकल धर्मों का जो विषय है इनके पे वस्तु हैं, इनसे विलक्षण रूपेण आपने आत्मा को ग्रहण किया। हेतु फल आदि, हेतु फल जो बताया जीव, उसका कारण क्या है? जगत बना, फल बना, हेतु फल भाव आदि से लेकर कर्तृभोक्तृत्व राग द्वेष इत्यादि धर्म, ये सब क्या? सब विषयों से विलक्षण है वो ब्रह्म। कैसे विलक्षण है? क्योंकि ये सब आरोपित धर्म है उसमें, स्वेन स्वेन मैंने अनारोपित रूपेण अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंच थे, अध्यारोप जो हो रखा है उसके अपवाद कर दिया, अपवाद करने का नाम स्वेन कर दिया, अध्यारोप रहित रूपेण क्या है वो? विशुद्ध विज्ञप्ति मात्र सत्ता, विज्ञप्ति विशुद्धत्व तो क्या है? जन्मादि रहितत्व, आकारांतर शून्यत्व, ये तन्मात्रत्व। विज्ञप्ति में दो बात विशेषण दिया उन्होंने, विज्ञप्ति कैसा है? विशुद्ध है और मात्र है। विशुद्ध है का मतलब जन्मादि रहित है, और मात्र शब्द का तात्पर्य आकारांतर शून्य भी है, ये आनंदगिरि में दिया है। विज्ञप्ति विशुद्धत्व जन्मादि राहित्यम,
और आकारांतर शून्यत्वम तन्मात्रत्वंच, तन्मात्रम अयुक्तम सामान्य विशेष भाव आदित्या संज्ञा तक सत्ता, और वह विज्ञप्ति सत्ता सामान्य स्वरूप है अद्वै रूपेण। और कैसा है वो कोई दूसरा ही नहीं, नेहना नास्ति किंचन, वह अद्वैत रूप है किंतु अनिश्चितता। इस रूप से आपने इस ब्रह्म का निश्चय नहीं किया, अध्यारोप रहित, जन्मादि रहित, आकारांतर रहित, सत्ता सामान्य स्वरूप एकमेव अद्वितीय रूपेण आपने जब ब्रह्म को निश्चय पूर्वक अनुभव नहीं किया, तब क्या हुआ कि जीव प्राणादि अनंत भाव भेद आत्मा विकल्पिता, जीव प्राण इत्यादि अनंत भाव भेदों के द्वारा यह आत्मा विकल्पित होता है। इति एष सर्वोपनिषदां सिद्धांतः, यही जो है सकल उपनिषदों का मूलभूत सिद्धांत है। रज्जु रेव इति निश्चय सर्व विकल्प निवृत्तौ, रज्जु रेव इति च अद्वैतम यथा तथा नेति नेति इति सर्व संसार धर्म शून्य प्रतिपादक शास्त्र जनित विज्ञान सूर्यालोक कृत आत्मविनिश्चयः आत्मेदं सर्वम इत्यादि। और ठीक विपरीत जब यह निश्चय हो जाए आपको यह रज्जु ही है, उसके बाद में न प्रतिबंध की भूता विद्या टिकती है वहां, न उस विद्या से पैदा किया गया उन सारे कारणों से सहकारी कारण प्रतिबंधक होता हुआ, यानी एक के प्रति प्रतिबंधक होते हुए अन्य के प्रति सहकारी कारण रूपा उन चीजों से उत्पन्न सर्वपादिबद्ध नहीं टिकते हैं। जैसे वैसे करके अगला कारिका में दार्पण में घटाने के लिए दृष्टांत को भी समझा रहे, निश्चितायाम यथा रज्ज्वाम विकल्पो विनिवर्तते रज्जुरेवेति चाद्वैतम तद्वात्मा विनिश्चय। यथा जिस प्रकार रज्ज्वाम रज्जु में रज्जुरेवेति निश्चितायाम, यह रज्जु ही है और कुछ नहीं, इस प्रकार निश्चय हो जाता है, तो विकल्पो विनिवर्तते सारे विकल्प जो आपने कर रखे थे सर्प धारा भूचिद्र वगैरह वह सब निवृत्त हो जाते हैं। तद्वत इसी प्रकार से आत्मा के बारे में अद्वैतम एव, आत्मा अद्वैत ही है, द्वैत रहित है, ऐसा जब निश्चय करोगे ये जो द्वैत विकल्पना थी जीव प्राण आदि सकल द्वैत विकल्पना निवृत्त हो जाते हैं। अविद्याकृत ही जीव कल्पना है, यह अन्वय मुख से जो कहा था दृष्टांत में उसी को व्यतिरिक मुख से भी कहने के लिए या दृष्टांत में घटा रहे, जब निर्णय हो गया आपको रज्जु में या रज्जु है करके, तब अर्थात रज्जु में या रज्जु है कर निर्णय होने का मतलब क्या, रज्जु विषय का ज्ञान निवृत्त हुआ, यही तो अर्थ हुआ ना, रज्जु को यह रज्जु ही है ऐसे समझने का तात्पर्य है कि रज्जु विषय जो पूर्व में विद्यमान अज्ञान था वो निवृत्त हो गया, तब उस अज्ञान से उत्पन्न जो सर्पादि विकल्प है वह भी अपने आप स्वतः ही निवृत्त हो जाएंगे, उसकी निवृत्ति के लिए कुछ करना पड़ेगा क्या, अविद्या निवृत्त हुई तो सब स्वभाव है, उसके अलग प्रयास करने की जरूरत नहीं, पहले सर्प को दूर कर दो और सर्प को भगाने उसके माँ बाप को ढूंढो पहले, ऐसे कोई जरूरत नहीं है। इसी प्रकार यहां पर भी जगत को हटाने के लिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अपनी अविद्या को दूर कर लिया जाए, अपने अज्ञान को दूर कर लें, बाकी रजत वैसे वैसे दिखाई भी देते रहे बाधा सामान्य करने में सकल व्यवहार प्रारंभ कर मार शरीर से होता हुआ आपके लिए दृश्य मात्र नाटक मात्र जैसा हो जाएगा सारा जीवन, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रज्जुन मुक्त अवस्था में रह जाएंगे, लेकिन ये अपना सारी लीलाएं कर्मानुसार रहना प्रारक्रम जैसा तो उसके अनुसार रहना जैसा होना चाहिए वो होते रहेगा, वो प्रारक्रम भी ज्ञान विरुद्ध नहीं होगा ना, क्योंकि ज्ञानानुकूल प्रारक्रम अनेक जन्मों के अभ्यास से उत्पन्न हुआ, नहीं तो कहां जीवन मुक्त हो जाएगा, जीवन मुक्त हुआ का मतलब ज्ञानानुकूल प्रारब्ध बना, ज्ञानानुकूल प्रारब्ध करने का मतलब है अनेक जन्मों से वह शास्त्र अनुसार ऋण सकल व्यवहार किया है, किसी ने किस जन्म किया, ऐसे भी भीष्म पितामह के कान में सुना ना कि 27 जन्म पूर्व का एक पाप 27 जन्म के बाद सताया मुक्ति काल में, वह पहले कभी नहीं, पहले कभी भुगत लेता किसी और रूप से आ जाता, बीमारी के रूप में आता, कुछ और रूप में आता नहीं, मौत काल में आया लटका दिया उसको, इसलिए जीवन मुक्त के शरीर के जीवन के बारे में कोई निर्णय नहीं ले सकते,
गीता में कहेंगे इसी 14वां अध्याय में ही सारी बात आएगी, जब जीवन मुक्त का लक्षण शुरू होगा। भास्कर कहेंगे कि जीवन मुक्त के शरीर से होने वाले क्रियाकलाप को जीवन मुक्ति समझ सकता कोई नहीं जान सकता। बाहर तो अपने हिसाब से देखेगा ना, वो अपने अपने हिसाब से गणित करेगा, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। अरे वहां तो करना चाहिए मामला ही है नहीं, वो तो उसके अधीन है क्या, उसके कर्तृत्व भोक्तृत्व तो है नहीं। जब कर्तृत्व भोक्तृत्व हो तो वो अपना सब जो करने वाला हो आप करा भी सकते हो, नहीं तो आप कराने भी चाहो तो कर नहीं सकता हो, उसके कर्तृत्व है नहीं। बहुत लोग ऐसे अपने में ले लेते हैं ना, क्योंकि उनके दिमाग घुसती नहीं क्या करना क्या नहीं करना, वो कहते क्या अगर प्रालक्रम है प्रालक्रम पर डाल देते हैं। लेकिन शास्त्रीय सिद्धांत क्या है, जीवन मुक्त को छोड़ करके बाकी सबके लिए पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। पुरुषार्थ करने के बावजूद भी यदि आपसे वो बच नहीं पाए तब ये कहना कि भाई ये तो प्रालक्रम था। बड़े बड़े की कहानी है, देखो मत्स्येंद्रनाथ जी की कहानी है ना, मत्स्येंद्रनाथ जी आप लोगों के तो सब पढ़े हैं, एकनाथ जी की परंपरा गुरु परंपरा है। तो वेश्याले जाके फंसे वेश्याओं के बीच में, कैसा जन की किस जन की प्रारकर्म होगा, मुक्त पुरुष अवतार माना गया उनका बल्कि उनको, और वो वेश्याओं के पीछे पड़े हुए। गोरखनाथ जी भी बड़े विचित्र वेश पहन के गए, ढोलक बजाए, आए गोरखनाथ उठ मत्स्य, तब जो उनको जगाया, छेड़ा जगह गुरु को जगा दिया। अब प्रार्थ देव किसी विचित्र है, अब क्या इसमें आप निर्णय ले सकते हो, उनको खराब कहेंगे, चरित्रहीन कह देंगे मत्स्येंद्रनाथ जी को, कबीरा देखी ऐसे नाटक, तो कबीर तो जान के नाटक किया वेश्या को लेकर के, सवेरे 4 बजे निकला, रात तो चुप्पे से चले गए वेश्या के घर, पहले से बातचीत कर लिया था उससे, और एक बोतल में दारू का बोतल हाथ, एक हाथ दारू का बोतल पकड़ ली, दूसरे हाथ उस वेश्या कंधे पर हाथ डाल के, और चुमते इधर उधर लोग झूलते फूलते जो है पूरी बनार की बुक की सड़कों में चल रहे। वो जमाना था जब लोग 4 बजे उठ के गंगा जी नहाने जाते थे, 6 बजे तक, इस उसी टाइम में पूरे मेन सड़क विश्वनाथ मंदिर के सामने से होते हुए सीधा अपनी झोंपड़ी तक चले। अब लोग सजाए भ्रष्ट हो गया कबीरा, पूरा भ्रष्ट हो गया, उस वेश्या का बेटी का पीछे इतनी लोगों के अंदर घृणा हो गई कबीर के प्रति। अब पत्नी ने बोला कबीर का ये क्या आपने कर दिया, असली श्रद्धा वाले देखो आज भी सत्संग में आएंगे, जिनके अंदर असली श्रद्धा नहीं अपने आप दूर हो जाएगा। और वही हुई, 4 लोग आए उस दिन, जब भीड़ लगती थी 500-600 की, फालतू लोग थे, समझा ही नहीं वेदांत उन लोगों ने, क्या कबीर सुनाएगा उनको वेदांत, लोग वेदांत समझे ही नहीं इसका मतलब, नहीं आते तो अच्छी बात है, इंदिरा बार लोगों को पता लग ही गया ऐसा नाटक था। 50 शुरू में तो लोग बदनाम किए सब कुछ हुआ, 50 सारा जब विचित्र नाटक ने जान के किया था सभी परीक्षा लेने की, फिर वही हाल दोबारा भीड़ होगी। इसे बाहर जो व्यवहार को देख करके निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि वो कारण क्या है, उसका जन्मादि रहित है, कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित है, राग द्वेषादि रहित है, आकारांतर से शून्य है, ऐसी ब्रह्म स्वरूप स्थित हो गया ना वो ब्रह्मित ब्रह्म भवति। जब निश्चय हुआ इसलिए क्या हुआ, अज्ञान निवृत्त हुआ, तो अज्ञान का सकल कार्य भी निवृत्त होता उनके लिए, रज्जु मात्र अवशेष रह गया उसे, आत्मा में यह श्रौत निश्चय हो गया अहम ब्रह्मास्मि जब संपन्न हो जाता है, तब अविद्या आत्म विषय का अविद्या और उससे कल्पित जीवादि विकल्पनाएं सब निवृत्त हो जाएगा। निर्णय क्या होगा, अद्वैतमेव आत्मतत्व, ऐसा निश्चय होगा। इसलिए आत्म विषय का अविद्या विजृंभिता जीव कल्पना है, यह इस दृष्टांत से मजबूत कर दिया है ना, आत्म विषय अविद्या से दर्शाया जा रहा है कि जीव और जगत रूपी कल्पना, जैसे रज्जु विषय अविद्या के कारण से सर्प और सब विषय कल्पनाएं कल्पित हुई, से जड़ से उखाड़ दे जीव भाव को ही कल्पित स्थापित कर दिया। भाष्य रज्जु रेव इति निश्चय, रज्जु ही है और कुछ नहीं, ऐसा निश्चय जब हुआ सर्व विकल्प निवृत्त, सारी विकल्प जितनी भी थी वे निवृत्त हो जाती हैं। रज्जुरेव इति च अद्वैतम यथा, एकमेव अद्वितीय रज्जु ही है और कुछ नहीं, इस प्रकार से रज्जुगत रज्जु के स्वरूपभूत अद्वैत को आपने ग्रहण कर लिया,
रज्जु सर्वत क्या है, अद्वितीय है, वहां कोई सर्प नहीं है, कुछ नहीं है, स्वरूपता वह एक अद्वितीय वस्तु है। ऐसा जैसे निश्चय होते ही तथा ठीक उसी प्रकार से नेति नीति थी सर्व संसार धर्म शून्य प्रतिपादक शास्त्र जनित विज्ञान सूर्या लोककृत आत्मनिश्चय आत्मविदम सर्वम इत्यादि नेति नीति ब्रह्म ये ब्रदाने का है इत्यादि शास्त्र से क्या आपने किया। शास्त्र से जन्य विज्ञान कैसा है, सूर्य का प्रकाश। जिस प्रकार से रज्जु विषय का ज्ञान दूर कैसे हुआ था, रज्जु विषय का ज्ञान दूर कैसे हुआ, जब अंधकार नष्ट हुआ। अंधकार कैसे नष्ट हुआ, जब सम्यक सूर्य का प्रकाश प्राप्त हुआ। उस जमाने का जो टॉर्च टोर्च नहीं था, ट्यूबलाइट नहीं था, लाइट ऑन करने का बात नहीं करना यहां, आज की भाषा में टॉर्च चला दिया, इसे भाषा उसी हिसाब से बोल रहे ना, सूर्य का आलोक स्पष्ट आ गया, स्फीत प्रकाश मिली तो वह अज्ञान दूर हो गया। उसे आत्मविषय ज्ञान दूर कैसे होगा, जो शास्त्र जनित ये ज्ञान रूप प्रकाश प्राप्त हो जाए। कौन से शास्त्र, नेति नेति थे सर्व संसार धर्म शून्य प्रतिपादक शास्त्र जनित विज्ञान रूपी सूर्य का आलोक मैंने प्रकाश कृत आत्मविषय, उससे उत्पन्न जो है आत्मज्ञान आत्म संबंधी अद्वैत निश्चय हो जाए। सकल संसार के सब प्रकार का जो धर्म है, जीव भाव राग द्वेष कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि धर्म से शून्य वस्तु का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र है नेति नेति अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि, उससे जन्य विज्ञान रूपी जो सूर्य का प्रकाश के समान सूर्य का प्रकाश है, उससे कृत आत्म संबंधी विषय अद्वैत तत्व का विनिश्चय हो गया। आत्मैवेदं सर्वां छांदोग्य 7:25 दो में का अपूर्व अनुपूर्व अनंतरो अबाह्य वृदाण्य के वह अपूर्व है, कारण रहित है, अनपरा कार्य रहित है, अतवे भीतर बाहर कहीं कुछ नहीं है। जगत दृष्टि से मुंडक कहता नहीं, सब बाह्य अभ्यंतर अजह सृष्टि दृष्टिवा, पहले तो बाह्य और अंतर नहीं है, अनंतर अबाह्य, फिर सब बाह्य अभ्यंतर अजह, बाह्य अभ्यंतर सब तरफ से अजय होते हुए भी वो अजय मुंडक 2:1:2 अजरो अमरो अमृतो अभय वृदाण्यक 4:4:25 वास्तव में जरा मरण आदि से रहित है। अभय एकमेव अद्वितीयम छांदोग्य 6:2:1 इत्यादि अनेक श्रुतियों से यह बात का निर्णय हो जाता है। सर्व संसार धर्म शून्य की व्याख्या आनंदगिरि में देखिए, सर्वस्यापि संसार आत्मना, जितने भी संसार आत्मा मानते हो उनके जो धर्मस्य आत्मनि आरोपितस्य, जो कि आत्मा में आरोपित है, असत्व आवेदकम यत् निषेध शास्त्रम, उन सकल आरोपित वस्तुओं का असत्व का आवेदक जो निषेध शास्त्र नीति नीति, तेन जनितम विज्ञानम एव सूर्यालोक, उससे जन जो विज्ञान है वही सूर्य का प्रकाश के समान से प्रकाश है। तत्कृत योयम आत्मनिश्चय सैव अद्वितीय शिष्यते, उससे उत्पन्न होने वाला यह वह यह जो आत्मसंबंध विषय है, तो क्या रहता है वो एक में अद्वितीय ज्ञान ही रह जाता है। द्वैतम पुनः सर्वमेव व्यावृतम भवति, संपूर्ण द्वैत व्यावृत हो जाता है। पूर्णत्वम तसुच्यते, पूर्णैव ब्रह्म वही मैं हूं ऐसा अनुभव हो जाता है। सब आया हेति, इसके भी अपूर्व अनुपूर्व की व्याख्या कर रहे हैं। सर्वमेव आत्मैवेत्युक्ते पूर्णत्वम तसुच्यते, पूर्णैव ब्रह्म शिव पूर्व भाविना कारणेन संस्पर्श शून्यो अपूर्व, पहले से क्या होता है कारण पहले से रहता है ना, इसे पूर्व शब्द से कहा जाता है। पूर्व भाव और पंडित मन उससे क्या है कारण, वैसा नहीं है जो वो अपूर्व माने कारण रहित। और पश्चात भावी का नाम अपरा अवता माने कार्य, उसके संबंध विद्रो अनपरा, उसके संबंध रहित कहता नाम ही अनपरा। अंतरम मन छिद्रम तच्छून्य अनंतर चिदेक रस है, एकमात्र चिदैक रस है, चिदघन है वो, तस्य प्रत्यक्तम अबाह्यत्वम, वो बाह्य नहीं है, वही प्रत्येक आत्मा है, आप ही हैं। कार्य कारण अस्पृष्टम उभय कल्पाधिष्ठानत्वेन तत्वार्थान्तरत्व इत्याह, कार्य कारण से अस्पृष्ट उभय कल्पना का अधिष्ठान है वैसा वस्तु, कोई इन दो विलक्षण हो गए इन सबसे,
ऐसा भी मत सोचो तो सब बाह्याभ्यंतर ही जह कर दिया। विशेषण त्रय कौटस्थ व्यवस्थापनार्थम, विशेषण त्रय जो दिया है कूटस्थता का निश्चय करने के लिए दिया हुआ है, अजर इत्यादि, अजर और अमर अमृत अभय, चार में से अभयत्व स्वरूप में आ गया और बाकी तीन विशेषण हैं, वो तो कूटस्थता का व्यवस्थापित करने के लिए है। एक एव द्वितीय कह दिया न खलु अविद्या तद कारणत्व संबंध अनुभवती, अविद्या भी वहां कारण रूपेण संबंध का अनुभव नहीं करा सकता, जो पूर्ण है उसमें किसी कोई संबंध की भी संभावना नहीं है। अपूर्ण का किसी अन्य अपूर्ण के साथ ही संबंध होता है, पूर्ण का पूर्ण से कोई संबंध नहीं होता, जैसे पूर्ण से पूर्णम आदाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये कह दिया गया। इसलिए अविद्वत दृष्टि से जो है और विद्वत दृष्टि से जो है ये अंतर यहां बता दिया। अविद्वान दृष्टि से जिसमें वस्तु दृष्टि बनी हुई थी वह अवस्तुकृत निश्चय जब हो जाता है तो उसी अविद्वान को वस्तु का वास्तव स्वरूप ज्ञान होकर के उसको विद्वत दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है। यदि आत्मा एक एव इति निश्चय कथम प्राणादिभिर अनंतिर भाव रहती संसार लक्षण विकल्पिता इति चेत उच्यते है। तब सिद्धांत के ऊपर आक्षेप करता पूर्व पक्षी पूछता है महाराज यदि आत्मा एकमेव अद्वितीय था, अब भी है आत्मा एकमेव अद्वितीय और सदा ही के लिए आत्मा एकमेव अद्वितीय ही रहेगा, यदि ऐसा है तो फिर ये हमको क्यों दिख रहा है जगत, पूर्व पक्ष पूछता है। ये प्राण चलता हुआ दिख रहा है, जीव दिख रहा है, शरीर उत्पन्न हो रहे हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं, हम लड़ाई झगड़े क्या क्या हो रहा, क्यों दिख रहा है सब, कहते ही तो माया है, यही माया है, माया को समझो। हाँ अधिकार भेद है, ये तो जन्म मुक्ति की बात आ रही है, तो अजातवाद है ना, ये तो सर्वोत्कृष्ट अधिकारी की बात हो रही है, आम आदमी की बात थोड़ी, आम आदमी के लिए नहीं ये सब चीज, यहाँ तो अजातवाद की चर्चा होने में यहाँ आम आदमी की बात घसीटना नहीं है बीच में, ये तो जीवन मुक्त की बात है यहाँ पूरी की पूरी। उसके लिए सम उसके लिए बता रहे हैं कि उसकी दृष्टि कैसी होती समझाया जा रहा है उसको, ताकि वहां तक हम भी पहुंच सके, हम लोग वहां तक पहुंच जाए। हमेशा नियम है ना, सिद्ध का लक्षण साधक के लिए साधना है नियम, उसको हमें अभ्यास करना पड़ेगा वैसी स्थिति में पाने के लिए, श्रवण अध्यास निरंतर करना पड़ेगा। इसे ज्ञान की सात भूमिका बताए ना, शुभेच्छा वगैरह नहीं बताए, सात भूमिका इसलिए बताई गई, अभ्यास तो करनी पड़ेगा ना, एकदम थोड़े आदमी पैदा जीवन मुक्त हो जाएगा कोई, अनेक जन्म संसिद्ध भगवान ने खुद ही कहा है। इसी ये सब समझ रहे हैं कौन से स्टेज वाले के लिए किसको बात कही जा रही है। प्राणादिभिर अनंत कहते हैं कि पूछा इसलिए पूर्व पक्षी ने, यदि आत्मा एक में जो सदा ही है तो ये प्राणादि अनंत भावों के द्वारा ये संसार रूप ये विकल्प हमें किस प्रकार हो रहा है बताओ, कथम इति चेत उच्यते, किस प्रकार हो रहा है विकल्प, कहते माया के और कोई जवाब नहीं वेदांती के पास, ऐसे जो अपराग्य माया पता नहीं पड़ती, तुमको दिखाई दे रहा बोल रहा है ना पूर्व पक्ष में क्या करे, अजातवा समझा रहा हूँ और तुम बोल रहे हो महाराज यदि ऐसा उत्पन्न ही नहीं हुआ है जगत तुम मुझे क्यों दिख रहा है, ऐसा पूछते हो तुम, इसलिए दिखाई दे रहे तुमको क्योंकि तुम्हारे लिए अभी माया है, अविद्या है तुम्हारे पास, इसे तुमको दिखाई दे, जिसके पास अविद्या है, तेरहवा अध्याय में आया था ना शास्त्रार्थ में, जिसके पास किसके पास है पूछा, मैं फिर ऐसे बात पूछते पूछते बोलना पड़ा उसको मेरे पास है, स्वीकार करना पड़ा ना प्रश्नकर्ता को पूर्व पक्षी को, जिसके पास है उसको दिख रहा है, यही विचित्रता है ना माया के, क्या खेल खेल रच देता है, और सारा जीवन को नाटक समझने वाले थे, नाटक में तो कुछ भी करना पड़ जाता है ना, अब सिनेमा एक्टर लोग किसे भीख मंगे का एक्टिंग कर रहा है, किसे बड़ा करोड़पति का एक्टिंग कर रहा है, किसे राजा का एक्टिंग कर रहा है, किसे भगवान राम बन गया है, किसी में कुछ बन जाता है, किसी कुछ बन जाता है, किसे जूता मार रहे हैं लोग उसमें, कि नेता बन गया जूता फेंक रहे हैं लोग उसको, दिखा ना इसी तो सिनेमा में एक्टर को हाथ हालत है, जूता फेंक रहे हैं लोग, जूता मार खा रहा है वो, और सिनेमा देखने के बाद और हीरो यदि बाहर आ जाएगा तो क्या आप करेंगे, और जूता मारेंगे उसमें तो माला पहनाएंगे, बहुत बड़ी एक्टिंग किया है, बड़ा आश्चर्य है ना, क्योंकि आप जानते हुए एक्टिंग था, अब इस तरह अपने जीवन को क्यों नहीं समझ रहे थे कि एक्टिंग है, यहाँ भी मान अपने समय कृत्य क्यों नहीं ग्रहण करते हैं, ये भी जीवन में एक एक्टिंग चल रहा है, सारा झूठा है, माया दिखा रही है, सारा खेल चल रहा है, ये नहीं ग्रहण हो पाता है,
यहां से तथा घुस जाते हैं, अरे ये तो गड़बड़ हो रहा है, ये हो रहा वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, दिमाग घूम जाती है, माया का ही खेल है। वेदांत में निष्ठा टिकती नहीं है, वहां तो दृष्टांत समझ में आ रहा है सारी बातें। अरे क्या हुआ पर्दे को? कुछ नहीं हुआ, भयंकर आग जलता हुआ दिखा दिया, क्या हुआ पर्दा? गर्म भी नहीं हुआ, बाहर दिखा दिया भिगा भी नहीं हुआ। अरे टीवी का स्क्रीन में घट रहा है, अचेत्यो यम अदायो यम अक्लित्यो अशोषे वचा, वो टीवी का स्क्रीन में घट रहा है, वहां समझ में भी आ जाती दृष्टांत में। इंद्रास्पंत अपने में घटाने वाली बात जहां आती है तो एकदम डर, यहाँ पर फिर वो कर्मों की झाल फंस जाते हैं, ये प्रारब्ध कर्म है कि कौन सा कर्म है, क्या है कि कर्तृत्व तो नहीं आ रहा, कि भोक्तृत्व तो नहीं आ रहा, क्या है क्या नहीं, खुद के बारे में संशय हो जाती है। अरे दृढ़ निश्चय कर्म करते कर्ता भोक्ता है नहीं, गुणा गुणेश वर्तनते, हाँ तीसरे अध्याय में कहा, उसे दृढ़ता पूर्वक टीके और हिसाब एक दृश्य रूप में देखें, हो रहा है ठीक है, हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है क्या आपत्ति आपने। इसे कहते हैं कि प्राणाधिपिर अनंत भावैरेतैर्विकल्पितः मायैषा तस्य देवस्य यया सम्मोहितः स्वयं। प्राणादिभिरनन्तैश्च भावैरेतैर् माया एषा विकल्पितः। वास्तव में आत्मा विकल्पित नहीं है, पहले तो आत्मा विकल्पित कह दिया, अब कहते हैं आत्मा में माया विकल्पित है, एषा माया विकल्पितः केन रूपेण प्राणादिवीर अनंतर भावैर तैर, ये जो अनंत भाव पदार्थ प्राणादियों के द्वारा ये माया विकल्पित तस्य देवस्यो। अरे माया किसकी है, किसके पास है ये? कहते ये माया हमारी और आपकी नहीं है, उसी आत्मा में ही कल्पित है, ये माया की है, मो माया दुरत्या, इसने कह दिया। यया सम्मोहित स्वयं, जिसे वो स्वयं भी मोहित हुए के समान मोहग्रस्त हो गया है। मोहग्रस्त कौन हुआ? कहते आत्मा ही मोहग्रस्त हो, वास्तव में हुआ क्या नहीं, मोहग्रस्त होने के समान, मोहग्रस्त होने के समान मोहग्रस्त वह समझना चाहिए। भाष्यम श्रो माया एषा तस्य आत्मनो देवस्य, तस्य देवस्य मैंने उस आत्मरूपी देव का स्वप्रकाश आत्मा के ही यह माया है समझो। यथा माया भी विहिता माया, जैसे मायावी के द्वारा विहित जो माया कैसी होती है, मायावी के द्वारा विहित जो माया, वो उसके अपनी है ना शक्ति, माया शक्ति, वो करता क्या है, गगनम अति विमलम, अति विमल आकाश शुद्ध साफ सुथरा, उसमें क्या दिखाया, कुसुमित सफल पलाशी तरुभिर आकीर्णम इव करोति, विमल आकाश शुद्ध आकाश को वह ऐसा पेड़ पौधों से भर देता है चारों तरफ, जिसे फल लगे हुए हैं, पत्ते लगे हुए हैं, फूल भी लगे हुए हैं, कुसुमित ही सफल पलाशे ही तरुबिर आकिरणम इव करोति गगनम अति विमलम, तथा उसी प्रकार इस आत्मा की है माया, इयम अपि देवस्य माया, यह जो देव की माया है वो भी क्या कर रखी है, यथा अयम यया अयम स्वयं भी मोहित इव मोहित भवति, जिसके द्वारा स्वयं भी मोहित हुए के समान मोहित हो गया है। जैसा लौकिक जीव क्या करता है, उस मायावी की माया मोहित हो जाता है, इन मायावी स्वयं मोहित हुआ नहीं है, मोहित के समान मोहित हो भी एक्टिंग करता है वहां, वही थोड़ी कि कोई रिएक्शन नहीं करे, हाँ देखो कितना सुंदर सुंदर सुंदर, ऐसा भी बोलते रहेगा वो, केवल आप ही थोड़ी बोलेगा बहुत सुंदर किया, वो खुद भी कहता है, अब वास्तव उसके कहने पर आप कहते हैं, है नहीं कुछ, इन्हें वो दिखा दिया और देखने वाले सब उसको मानते हैं, उसके वो भी उसके अनुमोदन कर रहा है, इसलिए कहते हैं स्वयं मोहित के समान मोहित है, वास्तव में मोहित नहीं है। या अयम स्वयं मोहित इव मोहितो भवती, दृष्टांत में घटा यथा लौकिको मोहितो मोह परवशो दृश्यते, जैसे लोग जीव मोह के परवशों के समान दिख रहा है, तथा यह आत्मा स्वयं माया संबंधात मोहित भवती, उसी भी आत्मा स्वयं माया के संबंध को लेकर के मोहित के समान हो जाता है। अतः मोह द्वारा आत्मनिव माया अधिकतरतः, इसे मोह द्वारा आत्मा में ही माया का निश्चय हुआ है, नहीं तो माया है कैसे पता चलता, आप मोह है तो मानना पड़ेगा माया है, नहीं तो सर्व आते
तथा को मोह का शोक एकत्व अनुपश्यतः एक कह दिया इसलिए कहा मोह होगा वहां कैसा शोक हो सकता है जहां एकत्व अपने अनुभूति कर लिया बस एक में द्वितीय की अनुभूति नहीं हुई तो मोह है मोह होने से भी मानना पड़ रहा है मोह कहां से आ गया एक माया नाम चीज पीछे माननी पड़ती है माया यहा मोहित तम भगवत्ता भी सूचितम माया ही मोह हेतु है यह भगवान ने भी सूचित कर दिया मम माया दुरत्या गीता आठवें अध्याय चौदवा श्लोक में इत्युक्तम ये कही गई है। और अब यहां से आगे विभिन्न मतों को बताएंगे अपना मत सिद्धांत बता दिए 19 श्लोक के द्वारा अपना मूल सिद्धांत बता दिए एक मद्विति आत्मा है वास्तव में जो कोई जगत पैदा ही नहीं हुआ जगत का कारण और कुछ भी नहीं है जिसको दिख रहा है उसको बताया जाता है माया मात्र है उसके अलावा कुछ नहीं। अब जो श्वेता सूत्र उपनिषद में आया हुआ है कि एक पहले ही अध्याय दूसरे मंत्र में पहला मंत्र में आता है बहुत ऋषि लोग इकट्ठा हुए चर्चा करने लग गए ये जो हमें दिख रहा है जगत कहां से आया कैसे हुआ क्या हुआ कहां इसका कारण होगा कौन इसको निर्माण किया इत्यादि इत्यादि पहला मंत्र में आया। दूसरे मंत्र में जितने विकल्प हो सकती गिना दिया काल स्वभाव नियतिर यदृच्छा भूतान योन ही पुरुषित चिंत्यम कहा काल स्वभाव नियति यदृच्छा भूत योनि इत्यादि पुरुष भी हो सकता है अनेकों विकल्प खड़ा किया उन्हीं विकल्पों का विस्तार रूप में समझाएंगे। देखिए प्राण इति प्राण विदो भूतानि इति चतद्विदः गुण इति गुण विदस तत्वानि इति चतद्विदः प्राण इति प्राण विदो प्राण शब्द से हिरण्य गर्भ लेना प्राण विदः माने हिरण्य गर्भ की उपासना करने वाले लोग कहते हैं हिरण्य गर्भ ही समस्त ब्रह्मांड का कारण है आत्मा नहीं ब्रह्म नहीं माया नहीं। भूतानि इति चतद्विदः और भूतज्ञ भूतों के ज्ञाता चारवाक आदि लोग कहते हैं प्रतिव्यादि भूत चतुष्टी जगत का कारण है माया नहीं। गुणा इति गुणविद गुण के ज्ञाता सांख्य आदि दर्शन के लोग कहते हैं त्रिगुण ही त्रिगुणात्मिका उनकी प्रकृति जो है साम्यवस्था वाली वही विषमवस्था को प्राप्त जगदाकार परिणत हो जाती है इसलिए प्रकृति ही त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही वास्तव में कारण है। और तत्वानीति च तद्विद और सृष्टि के कारण तत्वेत्ता लोग शैवों का कहना है तीन तत्व वो लोग त्रिरत्न मानते हैं शैव दर्शन तीन रत्न है एक तो जीव रूपी आत्मा दूसरी अविद्या तीसरा शिव आत्मा अविद्या शिव अथवा पशु पाश और पशुपति इसलिए पाशुपत दर्शन भी बोलते हैं ये शैव दर्शन के नाम पाशुपत दर्शन भी है। जीव क्या है पशु है इसको बांध के रखा है संसार में पाश अविद्या और इसका मालिक शिव पशुपति भगवान इसे पाशुपत दर्शन भी इसको कहा शैव दर्शन त्रिरत्न दर्शन भी बोलते हैं त्रिरत्न नाम से उनका ग्रंथ भी छपा हुआ है वो लोग जो है कहते हैं ये तीन तत्व ही संसार का कारण है तत्वानीति च तद्विदः पहले वाले में एक वचन है एकमेव द्वितीय हिरण्य गर्भ कारण माना फिर भूतानि चार भूतों से लेकर की कल्पना है चार वाकादि का गुणा में कम से कम तीन गुण मानते सत्रजतम बहुवचन इसलिए तत्वानि में भी तीन रत्न है इसलिए यहां भी बहुवचन देखने को मिल रहा है। अच्छा आनगिरी स्पष्ट करते हैं इस पर भाष्य यहां है नहीं इन श्लोकों पर भाष्यकार स्पष्ट समझ करके छोड़ देते हैं लेकिन यहां इसलिए हमें आनगिरी में जहां जहां जरूरत है जितनी जैसी सभी में जाएंगे तो भाष्य जो है 28वें श्लोक में आएगा उससे पहले नहीं है 20 से 27 तक 8 श्लोकों पर भाष्य नहीं है। याद के प्राण माने हिरण्य गर्भा मुख्य पक्ष प्राण शब्द क्या लेना दूसरी पंक्ति दूसरी प्रकट तक में परा में हिरण्य गर्भ अथवा तटस्थ ईश्वरों व तटस्थ ईश्वर स जगत है तो वही जगत कारण है ऐसा प्राणविद माने हिरण्य गर्भाद्या हिरण्य की उपासना करने वाले लोग अथवा वैशेषिक आद्यश्च वैशेषिक और नहीं एक लोग जो तटस्थ ईश्वर को कारण मानते हैं तटस्थ ईश्वर का मतलब क्या उपादान कारण से भिन्न निमित्त कारण मानना उसका नाम तटस्थ ईश्वर नीचे दिया है टिप्पण ताटस्थ्यम ईश्वर से ईश्वरी तटस्थता क्या चीज है जीवोपादान भिन्नत्वम
निमित्त मात्रत्वम इति अवत। जीव और उपादान से भिन्न निमित्त मात्र कारण मानते ईश्वर को, उनको तटस्थ ईश्वरवादी माना जाता है। वैशेषिक और नहीं एक लोग तेजम कल्पना मात्र, वह भी उनकी कल्पना मात्र है। समझे सिद्धांत जवाब, ये भी उनकी कल्पना है, वास्तव में हिरण्यगर्भ कहां से आ गया, वह भी कल्पना मात्र है माया का। क्यों? स्वतंत्र से हिरण्यगर्भ से सर्व जगत हेतुत्व है माना भावा। स्वतंत्र हिरण्यगर्भ है या स्वतंत्र विकल्प उठाओ, वो हिरण्यगर्भ जगत उत्पत्ति में स्वतंत्र है या स्वतंत्र है, इत्यादि विकल्प से इसके जवाब देंगे।